हे गाइस, वेलकम बैक टू सेकंड एपिसोड ऑफ पोकेमोन फायर एश। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने विरिडियन सिटी नहीं विरिडियन फॉरेस्ट पार करके हम लोग आ चुके थे ये वाले जिम में। आई थिंक जिम नहीं, ये वाले सिटी में जिसका नाम है प्यूटर सिटी। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे टीम में हमने लास्ट टाइम एक वाटर टाइप ऐड कर लिया था, तो जिसको हमने अभी हमारे टीम के साथ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी हो चुकी है। मैं आपको एक बार हमारे पोकेमोन दिखा देता हूँ। पिजियोटो लेवल 14 का हो चुका है, पॉलीबैग लेवल 10 का हो चुका है, जो कि हमें इस जिम में बहुत काम आने वाला है। उसके बाद कैटरपी लेवल 9 का है, पिकाचू लेवल 12 का है। तो होपफुली हम लोग रेडी है आज के इस एपिसोड में हम लोग इस जिम बैटल करने के लिए। ये ब्रॉक का घर है, पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ के अंदर क्या क्या है। ओके, तो गाइज टॉमी नाम का कोई तो है। वी ऑल हेल्प ब्रॉक आउट एट द जिम वेन एवर वी कैन। ओके, यहाँ पर मैंने गेम क्यों सेव कर लिया आई डोंट नो, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो गाइज यहाँ पे ये पुलिस वाला क्यों खड़ा है? दिस पाथ इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, होपफुली आने वाले टाइम में हो जाएगा। ब्रॉक यूजेस रॉक टाइप पोकेमोन, इट्स गुड टू हैव फाइटिंग पोकेमोन अगेंस्ट देम। ओके, कोई बात नहीं, बट हमारे पास वाटर टाइप पोकेमोन है तो हम लोग होपफुली इसको हरा देंगे। ब्रॉक यूजेस रॉक टाइप पोकेमोन, दे आर वीक अगेंस्ट वाटर ग्रास एंड फाइटिंग ग्राउंड एंड स्टील। ओके, डिस्पाइट ऑल द वीकनेस दे आर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट फायर बर्ग फ्लाइंग एंड आइस। नॉर्मल एंड पॉइजन मूव्स ऑल्सो डोंट डू मच डैमेज। ओके थैंक यू। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही हमारे पोलीबैग को रखेंगे, जिसके साथ हमने बहुत तो ट्रेनिंग नहीं की इतना बोल सकते हो, बट उसकी एक बैटल आ गया, बैटल में ना। ओके, तो पहले इसके चेले के साथ बैटल कर लेंगे और उसके बाद हम लोग ब्रॉक को चैलेंज करेंगे। ओके, इसके पास एक रायहॉर्न है, होपफुली हम लोग इसको वाटर गन के साथ इजीली डिफीट कर पाएंगे, जो कि कर भी दिया हमने। अभी इसका एक जियोडोड आ रहा है जो कि लेवल 7 का ही है, तो होपफुली ये भी चला जाएगा, बट बच गया। ओके ओके, इसकी स्टर्डी एबिलिटी थी इसकी वजह से बच गया, बट एक और हम लोग वाटर गन देंगे तो आई डोंट थिंक ही कैन सर्वाइव, जो कि जैसे कि हमने बोला था। पॉलीबैग लेवल 11 का हो चुका है गाइज, और बबल भी सीख चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो पहले ऑनिक से वहाँ पे जियोडोड क्या कर रहा है, कोई बात नहीं। चलो अभी हम लोग सीधा पोकेमोन विदाउट हील किए ब्रॉक के साथ चैलेंज कर दे। सो यू आर हियर, आई एम ब्रॉक, आई एम प्यूटर सिटी जिम लीडर। माय रॉक हार्ड विल पावर इज शोन इवन इन माय पोकेमोन। माय पोकेमोन आर ऑल रॉक हार्ड एंड हैव ट्रू ग्रिट डिटर्मिनेशन, शो मी योर बेस्ट। ओके, ये क्या है, मेरे को एक ही पोकेमोन पहले एक एंटर करना है, कितने पोकेमोन कंफर्म करने मेरे को एंट्री। ओके, दो ही पोकेमोन में एंटर कर सकता हूँ। सबसे पहले तो जियोडूड आया, हम इसको वाटर गन से इजीली टेक डाउन कर सकते हैं। चलो ये तो चला गया, आखिरी पोकेमोन ऑनिक्स होने वाला है। मेरे को नहीं लगता ऑनिक्स भी सर्वाइव कर पाएगा, जो कि मेरे को लगा ही था। अच्छा हुआ ना गाइस, हमने हमारे टीम में एक पॉलीबैग पकड़ के रखा है। इतनी इजी बैटल थी यार गाइस। यू हैव अर्न द बोल्डर बैज, ऑप्टेन बोल्डर बैज, ओमकर पुट द बोल्डर बैज। ओके ओके, हियर हैव दिस TM80 टेक्निकल मशीन कंटेन अ टेक्निक फॉर पोकेमोन। TM80 कंटेन्स रॉक स्लाइड, इट इन्फ्लिक्ट्स डैमेज एंड हैज अ चांस टू मेक द अपोनेंट फ्लिच। ओके, तो बस इतना ही करना था क्या ऑनिक्स? आई एक्चुअली वॉन्टेड टू बी अ पोकेमोन ब्रीडर नॉट अ जिम लीडर, बट आई डू इट फॉर माई फैमिली। ओके, कोई बात नहीं। तो गाइज हमने प्यूटर सिटी के जिम लीडर को तो ईजिली हरा दिया, क्योंकि हमारे पास पॉलीबैग था जो कि एक वाटर टाइप पोकेमोन है। तो होपफुली आप लोगों को मज़ा आया रहेगा, लेकिन आज के एपिसोड इतना छोटा थोड़े रखने वाले। आज के एपिसोड में हम लोग आगे भी जाएंगे होपफुली। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बैटल आने वाली है, तो हम लोग एक मिनट बैग में क्यों जा रहा हूँ, मैं पोकेमोन चेंज कर देता हूँ। हम लोग पीजियोटो को आगे रखेंगे, क्योंकि एक ग्रा ऑब्वियसली एक ये वाला है बग टाइप पोकेमोन ट्रेनर, मुंह से तो दिख रहा है, लेकिन देखते हैं। इसके पास एक लेवल 10 का कैटरपी है, तो हम लोग इसके सामने ऑब्वियसली गस्ट यूज करेंगे। बट गाइज आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हो, जिम लीडर के पोकेमोन भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे लेवल में जितने इन नॉर्मल बंदों के हैं। यही तो है डिफरेंस पोकेमोन गेम्स का गाइज। आखिरी पोकेमोन भी कैटरपी होने वाला है, तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, हमने हरा दिया
अभी देखेंगे ये लड़की, यू लुक एट मी, ओके ओके, तो देखने से ही बैटल करना स्टार्ट कर देती है। ओके कोई बात नहीं, एक लेवल 9 का पीजी, होपफुली हम लोग इसे गोस्ट ट्राई करके देख सकते क्या होगा। आधी एक्सपी तो हमने इसे खा ली यार, यहाँ पे मेरे को बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि पंखा बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक और पीजी आ रहा है तो हम लोग इस बार पिकाचू को भेज के इसका भरता बनाते हैं। थंडरबोल्ट ट्राई करता हूँ क्योंकि थंडर शॉक से तो आई डोंट थिंक ही कि मतलब वो फेंट होती, और फोकट में रेस्क्यू लेने का। ओके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अलग ही ये है। क्या यहाँ पे कोई दूसरा स्पेशल पोकेमॉन मिलता है क्या, देखते हम लोग जरा। यहाँ पे एक स्पीयर है, नई चाहिए। ओके ओके तो गाइज एक और बैटल आने वाली है। हाय आई लाइक शॉर्ट्स, दे आर कॉम्फी एंड इजी टू वेयर। ओके शॉर्ट्स तो मेरे को भी पसंद है, मैं भी घर में शॉर्ट्स ही पहनता हूँ। एक रैट अटैक, गस्ट अटैक आई थिंक इसके लिए कुछ नहीं करेगा। ओके एक और गस्ट ट्राई करेंगे। ओके क्रिटिकल हिट बैठी, और यहाँ पे पीजी ऑटो हमारा 15 का हो चुका है। एक एकंस आ रहा है, एकंस एकंस के लिए हम लोग पिकाचू को भेजेंगे गाइस, क्योंकि एकंस से मेरे को टीम रॉकेट की याद आती है, और टीम रॉकेट को हराने के लिए हमारा पिकाचू ही काफ़ी होता है। पॉइजन मत होना, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। चलो हमने इसको तो हरा दिया। यहाँ पे मैंने गेम क्यों सेव किया मेरे को नहीं पता। दैट लुक यू हैव गिव मी इट इज़ ओके ओके ओके, मैं अगर नीचे से जाता तो शायद से बच सकता था, बट ऊपर से आया तो मेरे को अब दोनों से फाइट करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, क्विक अटैक ट्राई करते हैं। काफ़ी अच्छा डैमेज दिया क्विक अटैक ने। एक ओडिश, इसी के साथ जाऊंगा मैं। ओडिश तो एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, तो उसके ऊपर गस्ट सुपर इफेक्टिव होगा, बट फिर भी उसने सर्वाइव कर लिया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक और गस्ट एंड इसी के साथ ये चला गया। अभी हमें नीचे वाले से भी फाइट करनी पड़ेगी। आर यू अ ट्रेनर? यस आई एम। यार इसके पास कितने बग टाइप पोकेमॉन है, बट सबको एक गस्ट काम कर जाएगा, एक एक गस्ट और सब घर पे जाएंगे। वीडल, नई पोकेमॉन नहीं चेंज करना है मेरे को। चलो आप भी घर पे जाओ। ककूना ये भी गया। इसी के साथ हमारा पीछे ऑटो लेवल 16 का हो चुका है, और एक मेटापॉड आ रहा है तो हम उसके ऊपर भी एक गस्ट ट्राई करेंगे। एंड मेरे को पहले ही पता था कि नहीं सर्वाइव कर पाएगा वो। ओके तो हम लोग यहाँ से अभी एक और आई थिंक बैटल आने वाली है, तो चलो करते हैं यार, क्या कर सकते हैं अभी। यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स आ रही है गाइस। ओके इसके पास एक बटरफ्री है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, ओ जो कि है भी स्ट्रॉन्ग है। कन्फ्यूजन, ओके मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता। चलो हमने इसको हरा दिया, और लेवल 17 का हो चुका है हमारा पीजी ऑटो। ओके हमने अवॉइड कर ली, यहाँ पे एक रिपेल मिला। ओके यहाँ पे कुछ नहीं मिला, अरे रे मेरी गलती से हो गया, बट कोई बात नहीं, अभी बैटल करनी पड़ेगी गाइस। इसके पास कौन सा, एक जिगली पफी तो है। एक गस्ट अटैक मारेंगे तो ओके कुछ नहीं हुआ, उल्टा हमारा वो डिसेबल हो गया। एक और क्विक अटैक और ये ख़त्म। यहाँ पे नीचे एक पोके बॉल है, ओके वो देखना पड़ेगा क्या है उसमें। यहाँ पे सिर्फ स्पीयर के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। ओरन बेरी, ओके शायद से हम सही जा रहे हैं। इससे बात करनी है, वेलकम, हाउ मे आई सर्व यू। ओके यहाँ पे रिपेल मिल रहे हैं, हम खरीदेंगे ऑब्वियसली, हम 12 खरीदेंगे क्योंकि आगे माउंट मून आने वाला है, तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे
ये क्या है? माउंट मून टनल एंट्रेंस। ओके तो चलो माउंट मून में चले जाते हैं, या फिर आई थिंक आज का एपिसोड गाइस यहाँ पे बस करेंगे। 1 मिनट वैसे भी 10 नहीं, 10 ही मिनट का अब तक एपिसोड हुआ है, तो आई डोंट थिंक आज का एपिसोड इतना छोटा होगा। आई थिंक हम लोग आज के एपिसोड में देखेंगे आगे जाएंगे। सबसे पहले तो मैं बैग यूज़ करके रिपेल यूज़ कर लेता हूँ। किधर गया रिपेल? चलो रिपेल तो यूज़ कर लिया हूँ मैं, अब यहाँ से निकलते हैं। शायद से यहाँ पे जाना है। एक मिनट, यहाँ पे भी नहीं जाना है। एक और रिपेल यूज़ करेंगे, ये थोड़ी थोड़ी देर में गेम खुद ब खुद सेव हो जा रहा है। यहाँ पे एक पोकी बॉल है तो उसको उठाएंगे ज़रूर। एक रिवाइव मिला जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसको फाइट अवॉइड करनी है हमें। यार रिपेल इतने जल्दी ख़त्म हो रहे, कोई बात नहीं। एस्केप रोक मिली, ओके। ये बंदा फाइट क्यों नहीं कर रहा है? क्विक टेक दिस बल्क ऑफ, ओके। यहाँ पे फाइट नहीं हो रही हमें आज, वो इतनी अच्छी बात है ना, पर ठीक है और क्या कर सकते हैं। ओके तो गाइज यहाँ पे अभी एक फाइट आने वाली है, तो चलो करते फट से। इसके पास 2 ही पोकेमॉन है, एक ओडिशा आ रही है, तो हम लोग शायद से इसको गस्ट अटैक से एब्जॉर्ब है इसके पास। ओके एक और गस्ट अटैक, आई डोंट थिंक यू कैन सर्वाइव, बट ठीक है। बेल स्प्राउट, मैं इसी के साथ जाना पसंद करूँगा। चलो इसको भी हरा दिया गाइस। अभी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। रिपेल फिर से ख़त्म हो गया, हाँ एक और यूज़ कर लेते हैं। चलो आगे आगे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। लेट्स बैटल, ठीक है तो चलो करते हैं। इसके पास एक ग्राइमर है, हम गस्ट अटैक ट्राई करके देखते हैं कितना डैमेज देगा। पॉइजन गैस, अरे रे हम पॉइजन हो गए। चलो हमने उसको हरा तो दिया लेकिन हम पॉइजन हो चुके हैं। पोकेमॉन चेंज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक वॉल्टर अब मैंने देखा ही नहीं यार, मैंने फोकट में इसको लाया है, बट वॉल्टर गन ट्राई करते हैं। थंडर शॉक, यार पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा। इसको भेज के देखते हैं, पिकाचू को बैटल में लाएंगे। क्विक अटैक, थंडर शॉक से ज़्यादा कुछ तो होना नहीं चाहिए। सोनिक बूम, ओके यार इसके पास सोनिक बूम होगा, मेरे को लगा नहीं था। प्लीज सर्वाइव कर ले। एक अटैक और फिर वो ख़त्म हो जाएगा। टैकल देके देते हैं। चलो कैटरपी को भी काफ़ी अच्छा है। ग्राइमर एक और आ रहा है, तो अभी मैं काम करता हूँ, पीजीओटो को भेजता हूँ। वो पॉइजन तो है ही पहले से, एक गस्ट ट्राई कर दिया। चलो पीजीओटो फेंट हो चुकी है। अभी हमारे पास एक रास्ता है, हमारे पास बैग में रिवाइव था। ओके यहाँ पे बैजेस का अलग से सेक्शन बनता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे रिवाइव यूज़ कर लेंगे पीजीओट के ऊपर। मेरे को लगा ही था। चलो हो गया काम अपना, शायद से अभी कोई बैटल नहीं आनी चाहिए हमें, और यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं जल्दी से जल्दी। एक मिनट,
ये हम कोई गलत रास्ते पे आ गए क्या? नहीं, वहाँ पे है एंड, वही मैं भूल गया। ओके तो गाइज, हम लोग यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। इसका नाम है माउंट मोन टू सेरियोलिन सिटी। ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे और कुछ तो नहीं है करने लायक। यहाँ पे एक रास्ता यहाँ पे जाता है, अब रिपेल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हम सेरियोलिन सिटी आ चुके हैं? जी हाँ गाइज, हम लोग सेरियोलिन सिटी आ चुके हैं। तो सबसे पहले जाके हम लोग हमारे पोकेमोन को हील करते हैं, क्योंकि अगर पोकेमोन हील करेंगे तो अच्छा ही है ना कि हम लोग कभी भी बैटल के लिए तैयार है फिर। बट गाइज, मेरे को यहाँ पे एक बार चेक करना था, ऊपर एक पुलिस वाला क्या कर रहा था वो। लेट्स गो चेक देयर। दिस पाथ इज करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, यहाँ पे हम लोग सेरुलिन सिटी आ चुके हैं। और यहाँ पे जिम कहाँ है? ओके, यहाँ पे ये जिम रहा। तो आई थिंक हम लोग आज के एपिसोड में तो जिम बैटल नहीं करेंगे गाइज, नेक्स्ट एपिसोड में शायद से कर ले। और क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, ये थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमें। सेरुलिन सिटी पोकेमोन जिम लीडर मिस थी द टॉम बॉयज मरमेड। ओके कोई बात नहीं। तो गाइज, आई थिंक अभी एपिसोड देखते 16 मिनट का हो चुका है, तो आई थिंक आज के एपिसोड में बस इतना ही रहेगा पहले। हाँ, आई थिंक आज के एपिसोड में बस इतना ही रहेगा। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाएंगे, चैलेंज करेंगे मिस्टी को, जो कि हमारा सेकेंड बैज होगा यहाँ, अगर हमने मिस्टी को डिफीट कर दिया तो। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर करना है तो। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।